हेलो क्लास, वेलकम बैक। हमारा लेक्चर 19 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, कांग्रेस मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद कैसे मिनिस्ट्री बनती है, कब तक रहती है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करते हैं। देखिए, हम बहुत लेंदी लेक्चर नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कोशिश करें कि हम आपको छोटे से छोटे लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ें दे पाएँ। तो लेक्चर्स आपके थोड़े छोटे होते जा रहे हैं और उसका पर्पज़ सिंपल है कि आप उसे देख पाएँ, आप उसे बोर ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ क्या होती है? जब CDM बेटा ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें नेशनल मूवमेंट ख़त्म होने के बाद बहुत सारे बात आते हैं कि नॉन मास मूवमेंट फेस चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। न्यूज़ स्वराजिस्ट होते हैं एम ए अंसारी, आसिफ अली और बाहुल भाई देसाई, BC रॉय, सत्यमूर्ति, ये सब कहते हैं कि कांग्रेस को इलेक्शन कंटेस्ट करने चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1934 में। इवन सी राजा गोपालाचारी, जो पहले नो चेंजर थे, वो भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, बट नेहरू और गांधी जी से अपोज करते हैं। फिर भी कांग्रेस 1934 को इलेक्शन को लड़ती है और जीतती है, 45 में से 75 सीटें इनके पास आती हैं। अच्छा, इसमें देख लीजिए, कुछ ब्रिटिश पार्टी इंडिया में रीजनल पार्टीज थी, जैसे पंजाब में यूनिस्ट पार्टी थी, इसके लीडर सिकंदर हयात खान थे, फैज हुसैन और सर छोटू राम थे। तो ये प्रो ब्रिटिश पार्टी थी, मतलब ब्रिटिशर्स को बहुत सपोर्ट करती थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी, फैजुल हक, इन्हें प्रीमियर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो इन्होंने स्टार्ट की थी पेजेंट पार्टी और ये कम्युनल फीचर्स बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कांग्रेस मिनिस्ट्री कहाँ थी? मद्रास में सी राजा गोपालाचारी, बॉम्बे BC खेर, बिहार श्री कृष्ण सिन्हा, UP गोविंद वल्लभ पंत और सेंट्रल प्रोविंस NB खरे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बेटा आपको जैसे पता है RTC जो हुई थी तीनों, उससे एक फेस तैयार हो गया था इसका। इस फेज़ के तैयार होने के बाद हमें ये आइडिया तो लग ही चुका था कि अब हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो ये फेज़ तैयार होने का सिंपल सा मतलब था, देखिए, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 की गई, कांग्रेस ने नहीं ज्वाइन किया, RTC 2 की गई तो कांग्रेस ने ज्वाइन किया, जब RTC 3 की गई तो किसी फेमस पॉलिटिकल लीडर को नहीं बुलाया गया, इंडियंस को इग्नोर ही किया गया और ऑटोमेटिकली इन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस सेशन ख़त्म किया और इन्होंने इसी का आउटकम निकला 1935 एक्ट का तैयार होना। तो ये बेसिस बना, 3 सेशन हुए, इस सेशन से जाहिर सी बात है एक बेसिस बना और इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन प्रोविंस, ब्रिटिश इंडियन एंड प्रिंसली स्टेट को मिलाया जाएगा, बायकैमरल फेडरेशन होगा, स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर दी गई, रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे प्रिंसली स्टेट के फेडरल लेजिस्लेचर में अपॉइंट किए जाएंगे, प्रिंस इनका काउंटर करेगा नेशनलिस्ट को, और इसके बाद डिवीज़न ऑफ पावर 3 लिस्ट में होगी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। क्या ऐसी बात है, जो प्रिंसली स्टेट थे इनके फ्रेंडली थे, तो ये नहीं चाहते थे कि नेशनलिस्ट जो है इनको कंट्रोल कर पाएँ, तो इसका इन्होंने कुछ ऐसा उपाय इसमें ऑलरेडी दे रखा था कि उसके थ्रू चले। फिर इन्होंने रेजोल्यूशनरी पावर, कंकरेंट और प्रोविंशियल पावर्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद बेटा क्या होगा, डायार्की एबॉलिश कर ली गई, डायार्की एबॉलिश कर ली गई स्टेट से और इसे सेंट्रल में दे दिया गया। डिफेंस फॉरेन अफेयर्स जो थे वो बेटा फेडरल लेजिस्लेचर के थे, मतलब वॉइस रॉय के पास रहेंगे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट था डायार्की इन स्टेट हटा के इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इनके पास सारी पावर रहेगी, बट इसके बाद ही गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होंगे उनके पास पावर्स रहेंगी, वीटो होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कभी भी लगा सकते हो, लेजिस्लेटिव मैटर्स में। गवर्नर के पास कुड टेक ओवर और इंडेफिनेटली रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी प्रोविंस, वो कभी भी चाहें तो इसका प्रोविंस का रूल अपने हाथ में ले सकते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बायकैमरल बनाए गए फॉर द फर्स्ट टाइम 6 प्रोविंस में बेटा, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, UP, बिहार, असम। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल सेपरेट इलेक्टोरेट जो था बेटा आपको सिख को दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को। इसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स जो थी गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास रह गए। इसी टाइम पे फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्टेब्लिश किया गया 1937 में। कांग्रेस ने इस एक्ट को टोटल डिसअपॉइंटिंग बोल के हटा दिया। फेडरल पार्ट एक्ट डिड नॉट केम इन टू एग्जिस्टेंस, जैसे प्रिंसली स्टेट डिड नॉट गिव देयर कंसेंट टू द यूनियन, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ऐसा कोई एक्सिस्टेंस ही इसमें नहीं आ रहा था, क्योंकि जब प्रिंसली स्टेट अपना कंसेंट नहीं देंगे यूनियन को, तो कांग्रेस वॉज कम्प्लीटली अपोज द एक्ट, इन्होंने पूरा अपोज किया, बट उसके बाद भी इन्होंने कहा हम इलेक्शंस करेंगे बताने के लिए एक्ट कितना अनपॉपुलर है। गांधी जी ने कोई भी मीटिंग एड्रेस नहीं की, नेहरू जी मेन कंपेनियर बने, इन्होंने सारी मीटिंग्स और पब्लिक थिंग्स को डील किया, इन्होंने हैंडल किया और कुछ और कोई नहीं कर रहा था। नेहरू बोस सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट
कोई नहीं मानते, चाहते थे कि कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म करे, बट राजेंद्र प्रसाद, राजागोपालाचारी ये चाहते थे कि मिनिस्ट्री फॉर्म हो। तो मिनिस्ट्री सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड जिसे पार्लियामेंट्री सब कमेटी फॉर्म की सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद ने, मैनी लॉ बेनिफिट्स भी मिले इसके, जैसे यूपी टेनेंसी लॉ था 1939, इसे बदला गया। मद्रास कमेटी हेड की गई, इसमें रैयत को सीधे ओनर बोला गया, जमींदार से इसके ओनर नहीं, इसकी बात की गई। इसके बाद कांग्रेस मिनिस्टर्स एग्जिस्टेंस में आए, और सिविल लिबर्टीज़ एंड किसान सभा, ट्रेड यूनियन और यूथ मूवमेंट और प्रजा मंडल मूवमेंट, इसको बूस्ट किया। कांग्रेस मिनिस्टर ने बेटा 1939 में इमीडिएटली रिज़ाइन कर दिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी बिना किसी कंडीशन के, किसी इंडियन से कंसल्ट किए बिना, किसी पार्टी से कंसल्ट किए बिना सीधे इंडिया को वर्ल्ड वॉर में डाल दिया, और ना फ्रीडम की बात की ना डेमोक्रेसी की। तो मुस्लिम लीग ने इसे डे ऑफ डिलीवरेंस की तरह सेलिब्रेट किया। अंबेडकर पार्टी ने सपोर्ट किया था, जो कांग्रेस ने किया था इस आइडिया को। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है, देखिए जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुई तो ये कहा जाता था वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब स्टार्ट होगी तो इंडिया को आप सीधे वर्ल्ड वॉर में नहीं ढकेल सकते। जाहिर सी बात है, इंडिया भी फ्री नहीं है, आप अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप इंडिया को वर्ल्ड वॉर में ढकेल के सीधे इसको एक्सेस पावर के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हो, जो अच्छा नहीं था। बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि हमें वर्ल्ड वॉर में पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, हम डिसाइड करेंगे, आप हमें फ्रीडम दे दीजिए, हमको डिसाइड कर लेंगे हमें वर्ल्ड वॉर करनी है कि नहीं करनी। तो ये इश्यूज थे, तो इन्होंने रिज़ाइन किया। ये ऐसा टाइम था बेटा जब मिनिस्ट्री की पावर देखती बनती थी। हाई क्लास सेक्रेटरीट फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे, हमारे मिनिस्टर्स लोकल थे, थर्ड बोग क्लास बोगी में ट्रैवल करते थे और पब्लिक से जुड़े हुए थे। मतलब ये ऐसा टाइम था जब बेटा पॉलिटिकल पार्टीज तो थी बट उनमें कोई ग्रीड नहीं था, कांग्रेस ग्रीडलेस थी। अगला बेटा हमारा लेक्चर आएगा द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, कई चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी। डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होगा, अगर आपको अच्छा लगे ये लेक्चर, छोटा है, कंसाइज था, अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर डिसलाइक करना है डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने इसे डिसलाइक क्यों किया। गॉड ब्लेस यू ऑल, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।